पॉलिटिकल मेजरमेंट की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, ये अमीटर एंड वोल्टमीटर आप लोगों को पढ़ना है। दो प्रकार से मूविंग आयरन टाइप एंड मूविंग कॉइल टाइप। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पढ़ना है आपको अमीटर एंड वोल्टमीटर। देखिए, अमीटर क्या होता है? अमीटर को कहते हैं धारा आवी, यानी कि जो धारा को मापता है उसे क्या कहते हैं? हम अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर में कम टर्न के जो है हमारे क्या होते हैं? कॉइल होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं? टर्न बहुत ही कम होते हैं और ये क्या होते हैं? ये मोटे होते हैं। ठीक है, इनका जो क्रॉस एरिया होता है ये अधिक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस में क्या करना पड़ता है? कम रखना पड़ता है। और उसे क्या करते हैं? इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं, कोई भी सर्किट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब कि एक सर्किट हो गई, रजिस्टर्ड हो गया, लोड हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? मैं सप्लाई दे रही है, उसे क्या करेंगे? हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा अमीटर हो गया। अमीटर को सिंपल हम क्या करते हैं? हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा अमीटर हो गया। अब बात करते हैं किसकी? हम वोल्टमीटर की। देखिए, वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर हमारा वोल्टेज को मेज़र करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? ये हमारा मेज़र करता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं कि हमारे नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही अधिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? इसके तार जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं ये। ठीक है, ऐसे कहाँ कहाँ लगाते हैं? इसको हम किसी भी सर्किट के समांतर क्रम में लगाते हैं वो मीटर को। ठीक है, अब इसका सिंबल जो है आपका इस प्रकार का होता है। ये वो मीटर को मैं सही दिखाते हैं। ठीक है, हाँ, वाइंडिंग ला के नहीं दिखाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे वो मीटर का सिंबल लगा करके यहाँ पे इसको हम इसको ऐसे ही हम इसको दिखा रहे थे। ये क्या हो गया? हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, वी एस, सप्लाई सोर्स हो गया, सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है, वो मीटर में फेरों की संख्या क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। और इनका जो क्रॉस ये क्या होता है? हमारा बहुत ही कम होता है। उसे कहाँ लगाते हैं? हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा अमीटर वोल्टमीटर में बेसिक डिफरेंस होता है, ये उदाहरण, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी उपयंत्र को अमीटर या वोल्टमीटर की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी उपयंत्र हो गया, ठीक है, जब उसको बना रहे हैं तो उसको अमीटर वोल्टमीटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अमीटर में विक्षेप कोण परिपथ की धारा के समानुपाती होता है। अमीटर जो विक्षेप कोण होगा, यानी कि जो पॉइंटर होगा, ठीक है, ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ मैंने के मूव किया, जो विक्षेप कोण होगा थीटा, ये थीटा किसके समानुपाती होता है? ये थीटा समानुपाती होता है किसके? आई के समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एमएम वोल्टमीटर में जो विक्षेप कोण होता है वो धारा, वो वोल्टेज के धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग सिंबल देख रहे होंगे बना हुआ है, ये थीटा जो होता है वो वोल्टेज के धारा के समानुपाती होता है। अब देखिए, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तथा इसकी कुंडली का प्रतिरोध बहुत ही निम्न रखा जाता है। अभी सबको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल सब सेम वही है। अब देखिए इसका डिफरेंस, ये भी आपके सिलेबस में है, डिफरेंस बिटवीन अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर के बीच हमें क्या करना है? अंतर करना है, क्या डिफरेंस हमारा होता है। अब देखिए, अभी बताएं कि अमीटर का रजिस्टर नंबर, देखिए नंबर एक देख लीजिए, नंबर एक क्या है कि अमीटर का जो रजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, और जब इसका उल्टा क्या होता है? वो मीटर होता है। वो मीटर का जो रजिस्टेंस होता है किसका रजिस्टेंस? की जो कॉइल का रजिस्टेंस होता है क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। और अमीटर को हम क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं। वो मीटर को क्या करते हैं? हम पैरेलल में लगाते हैं, ये समांतर में लगाते हैं। और अभी बताएं कि अमीटर में विक्षेप जो होता है, जो विक्षेप होता है वो धारा के समानुपाती होता है, और में जो विक्षेप होता है वो वोल्टेज के धारा के समानुपाती होता है। थीटा प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ठीक है, अब देखिए, अमीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक हम शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास एक अमीटर लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है। अब इसकी रेंज बढ़ाना है, यानी कि हमारे पास एक 5 एम्पियर का रजिस्टेंस है। अब इसको हमको 10 एम्पियर का रजिस्टेंस बनाना, तो यहाँ क्या करेंगे? इसके अमीटर के समांतर क्रम में एक रजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके क्या बोलते हैं? इसको हम शंट रजिस्टेंस बोलते हैं, RSH, शंट रजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि अमीटर के समांतर में क्या करेंगे? एक हम शंट रजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वाइवा में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि अमीटर का प्रयास बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अमीटर के शंट में एक रजिस्टेंस को हम
जोड़ देंगे, इसे हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए वोल्टमीटर का प्रास बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये मान लिया हमारे पास एक क्या है, वोल्टमीटर है, ठीक है, ये वोल्टमीटर है। अब वोल्टमीटर का प्रास बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसी की सीरीज में हम पतले तारों को और जोड़ देंगे बस, ठीक है, इसी की सीरीज में हम इसकी जो वाइंडिंग है इसको हम और कर देंगे, यानी कि हम अलग से श्रेणी में वोल्टमीटर के वायर को जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हमारी बढ़ जाएगी। माने कि ये हमारा 110 वोल्ट का है तो हम इसको 220 वोल्ट का करना है वोल्टमीटर को, तो क्या करेंगे इसकी श्रेणी में क्या करेंगे हम सीरीज रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। उच्च मान की धारा को मापने के लिए सीटी का यूज़ करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ये आगे आपके सिलेबस में है, थर्ड चैप्टर में ये पढ़ाएंगे। और उच्च वोल्टता के मान को कब्जा करने के लिए हम पोटेंशियल यानी कि ट्रांसफार्मर की पीटी कम यूज़ करते हैं। सीटी पीटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भाग होता है, अब इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसका उपयोग धारा मापने के लिए करते हैं, इसका उपयोग वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं, ठीक है, बस जितना पढ़ाया है इसी को आप सुन के याद कर लीजिएगा, इसके आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक, पर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक याद कर लें दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए जो पढ़ाए हैं कि अमीटर कहाँ लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, देखिए श्रेणी क्रम में, ठीक है, वो अमीटर कहाँ लगाएंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक। अगर हम अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारी सारी करंट कहाँ जाएगी, अमीटर से होके जाएगी, क्योंकि अमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा अमीटर क्या होगा, वो जल भी सकता है, तो अमीटर को कहाँ करेंगे, समांतर क्रम में ही लगाएंगे, हम क्या करते हैं ना, श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं, ठीक है। अब अगर से वोल्टमीटर है, ठीक है, वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं, वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, ये ठीक है, ये हमारी कोई सर्किट हो गई, वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे हम, पैरेलल में लगाएंगे। अगर से वोल्टमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगा दिया, ये मान लिया हमारे पास वोल्टमीटर हो गया, इसको हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही हाई होगा, जिससे क्या होगा हमारे यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो हमको जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा ये कम मिलेगा, जैसे कि 220 वोल्ट दिया, यहाँ पे 100 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 120 ही वोल्ट मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, वो मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल बना दीजिएगा। अब देखिए टाइसामीटर एंड वोल्टमीटर, ये कई प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होता है, ठीक है, दूसरा होता है, पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग आयरन टाइप, दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप, ये आपके दो सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है आपका इंडक्शन टाइप है, ठीक, चौथा क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप है, फिर हॉट वायर टाइप है, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं, दो ही हैं, एक होगा आपका मूविंग आयरन टाइप हो गया, ऊपर वाला है ए नंबर, ठीक है, दूसरा क्या होगा मूविंग कॉइल टाइप। अब देखिए मूविंग आयरन टाइप भी आपके दो प्रकार के होते हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के, अमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है, आकाश एग्जाम में आपका मूविंग आयरन टाइप अमीटर के बारे में लिख के आ जाए, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कार्ड के आप लिख दीजिएगा यहाँ पर मूविंग आयरन टाइप अमीटर। अगर से वोल्टमीटर पूछ लेगा कि मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर के बारे में लिखिए, तो क्या कीजिएगा, हेडिंग कार्ड क्या, मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर, यहाँ पर हेडिंग लिख करके इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जो है डिस्कस चर्चा लिख दीजिए कर दीजिएगा, ठीक है, जो डायग्राम है वो डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट, इसमें जो है हम दो कॉइल लेंगे, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक है, और एक लोहे का पीस ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया, इससे हमने क्या किया, पॉइंटर को जोड़ दिया, ठीक, और हमने क्या किया कि एक हमने स्प्रिंग को जोड़ दिया, ये स्प्रिंग को हमने जोड़ा है कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करने के लिए, और एक यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को, ये हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये हम डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किए हैं, ये हम बता चुके हैं कंट्रोल टॉर्क और
डैम्पिंग टॉर्क इज है, जिसके पहले लेक्चर में, पांचवें लेक्चर में, इसको हम पांचवें वीडियो में आप देखिएगा, इसके बारे में विस्तार से पूरी पढ़ाए हैं समझा करके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेन काम है किसका है, ये कॉयल हो गई, ठीक है, जो मेन वाइंडिंग हो गई, जो दो मेन वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपका लोहे का टुकड़ा है, आयरन का पीस है, ठीक है। अब देखिए जब मेन दो मेन वाइंडिंग है, ये मेन वाइंडिंग हो गई, ये मेन वाइंडिंग हो गई, ठीक, जब इनके बीच क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, तो क्या होगा कि एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लोहे के जो टुकड़ा है ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, और लोहे का टुकड़ा हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा पॉइंटर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, ये अपनी उसको आकर्षित करेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। जैसे कि एक चुंबक होता है, मान लें कि एक चुंबक है, ठीक है, ठीक, अगर यहाँ पे आप लोहे का पीस है, बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा कि लोहे के टुकड़े के पास जो क्या करते हैं आप चुंबक को घुमाते हैं, तो क्या होता है, वो लोहे का टुकड़ा भी क्या करता है, गोल गोल घूमता है, अपने हाथ पर रखते हैं, पेपर पर रखते हैं, ठीक है, नीचे से उसको घुमाते हैं तो क्या करता है, वो भी टुकड़ा घूमता है, बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा, बिल्कुल उसी का यूज़ करके जो है यहाँ पे क्या बनाया गया, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, ठीक है। जब अटेंड करेगा तो ये मूव करेगा, तो इससे पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये पॉइंटर कितना मूव करेगा, जितनी इसमें धारा फ्लो हो रही है उसी के अकॉर्डिंग ये पॉइंटर को मूव करेगा, ठीक है। कंट्रोल टॉर्क उत्पन्न करने के लिए क्या है कि यहाँ पर हम कंट्रोल स्प्रिंग का यूज़ किए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर क्या, हम एयर फ्रिक्शन, एयर पिस्टन, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हमने प्रयोग किया है, ठीक, ठीक है जी। की जो संरचना है बिल्कुल सेम वही बताए हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे बोले हैं जो उसी को आप में लिख दीजिएगा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल है, बिल्कुल सेम वही लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, EMH, जहाँ पर एफ क्या है, लोहे के टुकड़े के अंदर लगने वाला क्या है, आकर्षण बल है। एम क्या है, आयरन पीस पर चुंबकीय सामर्थ्य, आयरन पीस की जो चुंबकीय सामर्थ्य हो गया। यस क्या है, कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो चुंबकीय बल लग रहा है वो चुंबकीय सामर्थ्य और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एच। देखिए अब चूंकि एम क्या है, प्रोपोर्शनल टू एच के है, मतलब जितना चुंबकीय सामर्थ्य होता है वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र का तो क्या होगा, चुंबकीय सामर्थ्य भी होता है, तो हम जो है एम की जगह पे क्या कर देंगे, यश को रख देंगे, ठीक है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने उठा करके यहाँ पे रख दिया, ये वाले में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और टी डी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी डी प्रोपोर्शनल टू हमारा एच स्क्वायर, टी डी क्या हमारा डिफ्लेशन टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। अब एच प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा, यानी कि जितनी धारा होगी उतनी क्या होगा कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, उतनी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी, ठीक है। अब देखिए अब जो कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में पढ़ाए थे, जो टी सी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, यानी कि जितना कंट्रोल टॉर्क होता है वो समानुपाती किसका है, डिफ्लेशन के होता है, ठीक है। तो टी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी सी होगा, ठीक है। जब टी डी बराबर टी सी हो जाएगा तो थीटा प्रोपोर्शनल टू यहाँ से आई हो जाएगा, ये आपका ये कहाँ से आया है, ये आपका आया है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता था, जो विक्षेप कोण होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अगर नहीं भी याद है तो खाली डायग्राम बना दीजिएगा और उसकी थ्योरी लिख दीजिएगा, ठीक है, तो भी आपको क्या है, आपको एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ऐसा आपको ये याद नहीं तो भी इसको आप आराम में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब है आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक अट्रैक्शन था, दूसरा क्या रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब क्या होता है कि विकर्षित करना, हटाना, ठीक है। रिपल्सन का मतलब क्या है कि हटाना, अब देखिए इसमें क्या होंगे, इसमें भी आपका जो है दो आयरन का पीस हो गया, ठीक है, और एक मेन वाइंडिंग हो गई, ठीक है। एक आयरन का पीस आपका जो है मेन वाइंडिंग पे फिक्स्ड होगा,
ठीक है, लगा होगा ठीक। और दूसरा क्या होगा, आपका मूविंग आयरन होगा, ये मूव होगा, ये आपका किससे लगा होगा, ये आपका लगा होगा पॉइंटर, ये ध्यान दीजिएगा। पहला जो मूविंग आयरन है, जो लोहे का टुकड़ा है, ये लगा होगा जो इंडिकेटर है पॉइंटर से लगा होगा। दूसरा वाला जो है का टुकड़ा हो, वो किस पे होगा, फिक्स्ड होगा, वो यहाँ पे हमारा फिक्स होगा ठीक है। कंट्रोल टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए क्या है कि यहाँ पे हमने कंट्रोल स्प्रिंग का यूज़ किया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक है। ठीक है, और डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे क्या है कि हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यहाँ पे क्या किया, हमने प्रयोग किया है ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, जब इसमें हम इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई देंगे ठीक है, तो ये हमारे जो दो दोनों हमारे लोहे के पीस है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे चुंबकीय हो जाएंगे। चुंबकीय, तो जब चुंबकीय होंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा उत्पन्न होगा फ्लक्स, एक यहाँ फ्लक्स का उत्पन्न होगा, एक यहाँ होंगे फ्लक्स उत्पन्न होंगे। चूँकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, जब प्रॉपर्टी सेम होगी तो ये क्या होगा, इसमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर पॉइंटर ये क्या करेगा, मूव करेगा ठीक है। क्योंकि ये रिपल्सन के आधार पर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपल्सन का क्या करना है, फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे क्या है, आपका कैलिब्रेटेड स्केल है, और स्केल पे क्या है कि आपका पॉइंटर मूव करेगा, तो आपको रीडिंग मालूम पड़ेगा कि यहाँ की हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट एमीटर चाहे वोल्टमीटर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये हमको रीडिंग हमको दिखा रहा है ठीक है। कंट्रोल टैंक उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करते हैं। ये दोनों टॉर्क को हम समझाए हैं वीडियो नंबर 5 में, आप देख लेंगे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो 5वें लेक्चर में मेरा आप लोगों ने देख लीजिएगा ठीक है। बिल्कुल देखिए सेम वही है जो पढ़ाए हैं, ये आपका लिखा हुआ है ठीक है, चाहे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब रिपल्सन फोर्स जो होता है वो M1 और M2 के गुणनफल ठीक है। M1 जो आपका जो पहला वाला लोहे का टुकड़ा था उसकी स्ट्रेंथ हो गई, दूसरा वाले का स्ट्रेंथ M2 हो गई, और D क्या है, जो दोनों के बीच की दूरी होगी ठीक है, उसके क्या होगा, हमारा समानुपाती होगा। M1 प्रोपोर्शनल टू H होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, M2 क्या होगा, ये भी आपका H होगा, तो ये F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, H स्क्वायर हो गया ठीक है। और TD क्या होगा, डिफ्लेशन टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, F होगा ठीक है। यानी फोर्स कितना लग रहा है, जितना हमारा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए TD प्रोपोर्शनल टू H हो गया। H प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जितनी धारा होगी उतनी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की हमारी तीव्रता होगी ठीक है। तो TD प्रोपोर्शनल टू हमारा I स्क्वायर हो गया ठीक। और जब TD बराबर TC होगा तो थीटा बराबर I स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हमारा ये जो है इसके यूनिफॉर्म नहीं होता, और इस उपयोग को क्या कहते हैं, AC और DC सप्लाई देने पर हमारे समान पोल बनते हैं। ये कोई भी समान पोल मतलब क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेम प्रॉपर्टी होगी, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम दोनों में यूज़ करते हैं ठीक है। एडवांटेज में क्या है कि ये उपयन AC और DC दोनों पे क्या करते हैं, ये सस्ते टिकाऊ होते हैं, इनमें विक्षेपक बल आघूर्ण का मान क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है। नंबर 4 है एडवांटेज में, यह उपयन ओवरलोड को सह सकते हैं। नंबर 5 क्या है, ये उपयन निम्न आवृत्ति पर उच्च शक्ति मापन के में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका पैमाना स्वरूप नहीं होता है, लोहे के टुकड़े का उपयन का चल तंत्र मूविंग सिस्टम का भार बढ़ जाता है। AC सर्किट में प्रयोग करने पर आवृत्ति परिवर्तन से इनमें गंभीर त्रुटियां मतलब एरर उत्पन्न हो जाती हैं। लोहे टुकड़े में चुंबकीय मंदायन के कारण क्या होता है, त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये वीक हो जाएगा, यह समय समय बीतेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उतना बन नहीं पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन क्या है, डायग्राम है, अगर से आपको ये डेरिवेशन नहीं भी एग्जाम में याद है, नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन क्या है, मेन आप इसका जो है डायग्राम है, इसका कंस्ट्रक्शन ये याद कर लीजिएगा ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन और डायग्राम ये बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ठीक है, और इसको आप लोग बना दीजिए ठीक। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन कोई भी होगा तो उनको दिखाइएगा ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर जो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है इसको पूछ सकते हैं ठीक है, आप कमेंट